सो फाइनली दोस्तों कुछ प्रोडक्ट हमने परचेज किया था, तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। और यहाँ पे ये जो ग्लव्स आप देख रहे हो, ये हमने क्यों परचेज किया इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। मोबाइल रिपेयरिंग में इसका क्या यूज है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है, यहाँ पे डब्बा दो पीस भेज दिया मैंने, एक पीस मंगाया था, चलिए एक पीस साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ प्रोडक्ट है जिसको हमने परचेज किया है, और ये अभी के डेट में मोबाइल शॉप पे रहना बहुत जरूरी है। प्राइस क्या है इसकी, क्यों मंगाया, क्या यूज़ होता है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कुल प्रोडक्ट हमारे पास जो है, एक डब्बा है, ये ग्लव्स है दो पीस, और एक ये री लाइफ का है। ये प्रोडक्ट मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये इसके बारे में आप तो देख के फोटो से ही समझ गए, और कुछ ये एक प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस ग्लव्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पहना हूँ, इससे मोबाइल रिपेयरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप हाथ से करने का, जैसे आप माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, पहले आप जब शुरू शुरू में काम कर रहे हो थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, सेम कंडीशन है। इससे भी आप शुरू में काम जब करेंगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आए, बाद में जब काम करने लगेंगे तो इसे भी आप कंफर्टेबली करने लगेंगे। हालांकि बहुत पतला है, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है, एक छोटा सा नट भी आप आसानी से पकड़ सकते हैं, एकदम ईजी है, मतलब मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। तो मेन रीज़न क्या है, आपने देखा होगा कई सारे वीडियो में कि यहाँ ग्लव्स लोग पहनते हैं मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, और यहाँ पे किट लगी रहती है, और किट जाके बोर्ड में कनेक्ट रहता है, मतलब एक वायर कनेक्ट रहता है। ऐसे में क्या होता है, जब आप किसी फ़ोन को रिपेयर करते हैं, मान लीजिए ये फ़ोन है, आप रिपेयर कर रहे हैं, तो जब उसके बोर्ड वगैरह को हम टच करते हैं, तो कई बार हमारे शरीर से भी इलेक्ट्रॉन वगैरह निकलते रहते हैं। तो कई बार मोबाइल के, आपने देखा होगा फ़ोन चालू है, आपने कुछ भी नहीं किया, बस मोबाइल हाथ में लिया, देखा तब तक अचानक से फ़ोन डेड हो गया, चालू ही नहीं हो रहा था। ऐसे में क्या होता है, गलत इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से इस तरह की कंडीशन होती है। तो वो चीज़ों के लिए ये ग्लव्स का यूज़ किया जाता है। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, बट कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, तो इसलिए वो डायरेक्टली वायर कनेक्ट रहता है। हालांकि ये भी सेफ़ है, इसमें भी आपका कोई हाथ से टच होने वाला सिस्टम नहीं है, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और अगर वो वायर वाला है तो वो भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। हालांकि ये कौन कोई ज़्यादा यूज़ करता है नहीं, बट मैंने मंगा लिया, मुझे थोड़ा सा लगा कि मेरे को यूज़ करना चाहिए, और इससे थोड़ा प्रोफेशनल भी लगेंगे आप लोग काम करने में। अगर ऐसा पहन के आप शॉप पे रखेंगे तो कोई अगर कस्टमर आते हैं तो देखेंगे तो लगेगा अरे ये तो प्रोफेशनल बंदा है, तो एक तरह से रोल जमाने के लिए समझ सकते हैं आप लोग। तो ये ग्लव्स की बात हो गई। अब इसकी प्राइस की बात करें तो ये हमें पड़ा है 100 रुपये का, हालांकि रेट इतना ज़्यादा नहीं है इसका, बट 100 रुपये हमें पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा डब्बा। अब डब्बा कैसा है, डब्बा में कुछ ऐसा है कि ये एक बड़ा डब्बा है, इसमें कुछ भी आप रख सकते हैं। इसके बाद से इसको बंद करके, और ऊपर में यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये छोटा सा डब्बा, इसके अंदर भी आप कुछ कुछ रख सकते हैं, आईसी वगैरह। मेनली मैंने इसको मंगाया आईसी के लिए, छोटे छोटे आईसी हो, क्या बोलते हैं आपका, कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप लिख के रख सकते हैं। जैसे ये डब्बा है, इसके सामने लिख दीजिए कितने ओम का है, क्या क्या है, और इससे काफ़ी ईजी रहेगा। यहाँ पे भी आप कुछ कुछ रख सकते हैं अपने हिसाब से, उस पर लिख सकते हैं क्या चीज़ आप रखें हैं, तो ये डब्बा आपका यूज़ हो जाएगा। तो ये डब्बा मुझे पड़ा है 120 का, ये एक डब्बा 120 का है। इसके अलावा एक चीज़ हमारे पास है ये, अब इसका क्या काम है पहले आपको ये बता दूँ, तो पहले मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअली मेल और फीमेल दोनों है, जो आप बूट केबल यूज़ करते हैं, बूट केबल में कई सारे वायर जंजाल रहते हैं, तो आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस एक वायर की ज़रूरत है, और उससे आपका ये बूट केबल आसानी से ऑन हो जाएगा। अरे खुल जा भाई, लगता है यहाँ पे ग्लव्स मेरा काम नहीं आएगा। हाँ नहीं नहीं, यहाँ से खुलेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो ये देखिए, ये रहा बूट केबल। अब इसमें एक साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे मेल साइड है, तो ठीक इसके उल्टा, मतलब इसी कनेक्टर का फीमेल है, मतलब ये मेल है तो इधर फीमेल है, सेम कनेक्टर का। तो अब ऐसे में क्या होता है कि कई बार हमारे पास आजकल डिस्प्ले आ रहे हैं, बैटरी कनेक्टर आ रहे हैं, मेल फीमेल दोनों लगा रह रहा है, जैसे किसी में मेल लगता है तो किसी में फीमेल कनेक्टर लगा रहता है, तो ऐसे में आपको ये दोनों लगा हुआ है, तो जो काम आ जाएगा आप उसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, आपको दो वायर बस जोड़ना है और आप कहीं भी लेके यूज कर सकते हैं, यहाँ से तोड़ेंगे तो एक एक पार्ट में अलग अलग निकल जाएगा सारी चीज़ें। इसका रेट थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा, बट चलेगा, अब क्या कर सकते हैं। ये आपको पड़ा है लगभग 450 का, तो ये काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे इसका रेट, बट अब क्या कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 × 2 = 16, यानी कि 16 कनेक्टर इसके अंदर है जो कि आप यूज़ में ले सकते हैं। तो ये भी बहुत काम का चीज़ है, इसलिए हमने मंगा लिया। इसके बाद से अगर हम बात करें तो ये चीज़ है, ये आपको हमेशा अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में क्या है, मोबाइल के नए नए पिन आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से मैंने एकदम लेटेस्ट वाला मंगाया है। मॉडल आप देख सकते हैं BA27, इसमें आपको लगभग सारे मॉडल दिए हुए हैं, और इसमें टोटल काउंट करूँ तो 15 इधर हैं और इधर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इधर हैं, जिसमें से कि आपका आईफोन 15 प्रो
मैक्स तक का यहाँ पे सपोर्ट है, 15 तक का सीरीज का यहाँ पे सपोर्ट है, 16 अभी इसमें सपोर्ट नहीं दिया है बट 15 तक का यहाँ पे सपोर्ट है। इसके अलावा एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड में भी लगभग इसमें सारे कनेक्टर दिए हुए हैं, 2-4 इसमें नए कनेक्टर में देख रहा हूँ जो कि नए मॉडलों के लिए दिया हुआ है, तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। और इसमें ब्लू लाइट लगा हुआ है इसके अंदर, तो ये काफ़ी कूल लग रहा है देखने में भी और काम में भी। इसमें बहुत सारी कुछ एक्स्ट्रा आईसी लगी, पुराने वाले से तो मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके अंदर आईसी लगा। इसका प्राइस मुझे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगा क्योंकि ये मुझे पड़ा है 800 रुपये का, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस का है, तो ये प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इसको मैं साइड कर दूँ, इसमें आप बैटरी बूस्ट वगैरह कर सकते हैं, चार्जिंग भी ले सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। यहाँ पे इसमें आपको वोल्टेज दिखाएगा, यहाँ एम्पियर दिखाएगा, ये सारे कनेक्टर में आप कनेक्ट करके आप बैटरी को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली यहाँ से चार्जिंग भी आप आउटपुट में ले सकते हैं, यहाँ से भी आउटपुट चार्जिंग करके अपना चार्ज भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, यहाँ पे 2 वायर जोड़ के चार्ज भी ले सकते हैं आपकी मर्जी। इसके अलावा ऑटो कट सिस्टम है, मतलब मान लीजिए कि आपका हाई एम्पियर है फिर कोई वोल्टेज नहीं ले रहा है फोन, कुछ इस तरीके की कंडीशन आ रही है तो वहाँ पे भी आपको दिखाएगा। और यहाँ पे अगर आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें भी दिखाएगा कितना बैटरी वोल्टेज चार्ज है, कितना एम्पियर बैटरी ले रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब हमारा ये काफ़ी वजन है इसके अंदर, और इसकी प्राइस हम बात करें तो ये मुझे पड़ा है 1050 का, और ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे क्योंकि ये मैं सबसे मेनली तो मैंने इसी को मंगाया था। अब ये यहाँ पे है हमारा आईफोन के लिए, आईफोन आपको पता है साइड से खुलता है तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, आपको यहाँ रखना है ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे लगा देना है, और जब आप अपने आईफोन को यहाँ पे रख के और जब इसका डिस्प्ले आप खोलेंगे तो ये इसमें जाके चिपक जाएगा और आप आसानी से उसमें नट वगैरह खोल के अपना इसमें जो भी काम है कर सकते हैं। ये जो चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे 2 नट दिए हुए हैं, एडजस्टेबल नट है, इसको आप यहाँ पे रख के ये ऐसे ही लगेगा, ये जो है यहाँ पे ऐसे ही लगेगा, यहाँ पे ऐसे स्लाइड होता है ये, तो आपको यहाँ पे इसको लगा देना है। यहाँ पे 2-2 नट दिया हुआ है, आप चाहें जहाँ भी चाहें लगा सकते हैं इसको लगा के, और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपका आईफोन अगर आपके पास आया है कोई भी है तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके इसमें फिट करके और इसको अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये दिया हुआ है, और मान लीजिए कि इसको मैं निकाल देता हूँ, मान लीजिए इसको आपको चौड़ा करना है तो यहाँ पे इसको आप फ़ोन के हिसाब से चौड़ा भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, और भी इसको ढीला किया जा सकता है, तो ये इस तरीके की कंडीशन में आपके पास आता है। और ये प्रोडक्ट का रेट मैंने बता ही दिया, तो ये तीन चीज़ था, पाँच चीज़ जो कि हमने आज मंगाया और मुझे लगा आपको भी बताना चाहिए। हालांकि कोई ख़ास इसका यूज़ नहीं है अगर आपके पास पहले से है तो, और अगर आपके पास नहीं है तब तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो बस यही था ये प्रोडक्ट, बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।